कोई ट्रेडर्स होते हैं जो पोजिशनली ट्रेड करना चाहते हैं, कोई ट्रेडर्स होते हैं जो इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं। तो एक स्पेसिफिक रिकमेंडेड ब्रिक साइज है इंडाइसेस ट्रेडिंग करने के लिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी को ट्रेडिंग करने के लिए। ट्रेडिशनली ये ब्रिक्स जो प्लॉट होती है, इसको अगर परसेंटेज में अगर आप कन्वर्ट करें तो ये आइडियल वे रहेगा कि 0.15% ऑफ द मूव ऑफ बैंक निफ्टी एंड 0.08% फॉर इंट्राडे। लेकिन कई सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे परसेंटेज वाले चार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो इसमें हमने एक वी हैव फाउंड अ वे आउट कि इसको अगर हम कन्वर्ट करें, परसेंटेज को अगर हम कन्वर्ट करें एब्सोल्यूट नंबर में, तो ये चार्ट्स काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। अब बैंक निफ्टी के लिए ब्रिक साइज रिकमेंडेड है पोजिशनल के लिए 70 और इंट्राडे के लिए 35। निफ्टी के लिए पोजिशनली 20 ब्रिक साइज और इंट्राडे के लिए 10। अब इसको समझ लेते हैं कि क्या है एग्जैक्टली ब्रिक साइज दोनों का। तो बैंक निफ्टी अगर हम कहते हैं इंट्राडे के लिए 35 इसका ब्रिक साइज है, इसका मतलब है हर 35 पॉइंट जब मूव आएगा, समझे कोई एक बुलिश ट्रेंड चल रही है, सो जब 35 पॉइंट्स मूव आएगा तो हर नई फ्रेश बुलिश ब्रिक प्रिंट होगी। समझिए बेरिश ट्रेंड चल रही है तो हर 35 पॉइंट ड्रॉप पे बेरिश ब्रिक बनेगी, ठीक है। अगर हम बैंक निफ्टी का लार्जर बॉक्स साइज, बहुत बार ऐसे होता है ना कि बैंक निफ्टी तो जंगली बिल्ली है, बहुत तेज़ी से भागती है, बहुत तेज़ी से नीचे भी आती है। सो सम पीपल आर कंफर्टेबल कि थोड़ी बड़ी बॉक्स साइज रखें, तो उनके लिए 70 की भी बॉक्स साइज आप यूज़ कर सकते हैं। तो हर 70 पॉइंट मूव इन द डिरेक्शन, बुलिश डिरेक्शन है तो हर 70 पॉइंट पे फ्रेश ब्रिक बनेगी, या बेरिश डायरेक्शन है तो हर 70 पॉइंट पे बेरिश ब्रिक बनेगी। निफ्टी के लिए सिमिलरली इंट्राडे आप देख रहे हैं तो 10 ब्रिक का साइज, यानी हर 10 पॉइंट मूव बुलिश है तो बुलिश ब्रिक बनेगी, हर 10 पॉइंट बेरिश मूव है तो बेरिश ब्रिक बनेगी। पोजिशनली देख रहे हैं तो 20 का ब्रिक साइज रिकमेंडेड है, यानी हर 20 पॉइंट्स पे बुलिश ब्रिक बनती जाएगी या हर 20 पॉइंट्स पे बेरिश ब्रिक, ड्रॉप होते वक्त बेरिश ब्रिक बनती जाएगी। तो ये रेकमेंडेड बॉक्स साइज है। मैंने बाकी आगे जो एग्जाम्पल्स भी लिखे रखे हुए हैं, ये सारे बेस्ड ऑन दीज बॉक्स साइजेस ही रखे हैं ताकि यूनिवर्सली सब लोग इसको इस्तेमाल कर पाए। परसेंटेज के चार्ट जहाँ पे भी अवेलेबल किसी को अगर है तो परसेंटेज भी रिकमेंडेड मैंने लिखा हुआ है, ये स्लाइड को आप रेफर कर सकते हैं। और अगर परसेंटेज है तो नथिंग लाइक दैट, आप परसेंटेज वाले चार्ट ही यूज़ करिए। अगर परसेंटेज वाले नहीं है तो डोंट गेट स्टक अप विथ इट, आप तो बिल्कुल वरी करना नहीं है, एब्सोल्यूट नंबर्स भी दिए हैं साथ में। आगे के चैप्टर्स में अब हम पढ़ेंगे पैटर्न्स के बारे में, अलग अलग पैटर्न्स क्या है। हम नेमली 5 पैटर्न्स की बात करने वाले हैं। कोई पैटर्न्स है जो मोमेंटम बेस्ड है, कोई पैटर्न्स है वो रिवर्सल पैटर्न्स है, और कोई पैटर्न्स है जो ट्रैप पैटर्न्स है। सो बहुत इंटरेस्टिंग आगे डिस्कशन होने वाला है, तो जुड़े रहिए और आगे के चैप्टर्स में मिलते हैं और पढ़ते हैं अलग अलग पैटर्न्स के बारे में रेनको चार्ट्स में। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.